फिरोजाबाद में जारी है वायरल फीवर का तांडव। डेंगू से करीब 5 और मरीजों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में वायरल फीवर का तांडव जारी है और डेंगू से करीब 5 लोगों की और मौत हो गई। अब तक करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं, क्योंकि बच्चों पर इसका प्रकोप जल्दी होता है। कल 6 साल की इशिका, 17 वर्षीय किशोरी की भी मौत हो गई। कल एक महिला की भी मौत हुई है। तीनों में हुई डेंगू की पुष्टि। राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज पर मरीजों के परिजनों का आरोप है कि वो अच्छे से इलाज नहीं कर रहे हैं। रात के अंधेरे में मरीजों को किया जा रहा है रेफर, ये परिजन कह रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में बेड की भारी किल्लत को देखते हुए रात में ही मरीजों को रेफर कर दिया जा रहा है कहीं और अस्पतालों में। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज अच्छे से इलाज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद में जारी है वायरल फीवर का तांडव। डेंगू से करीब 5 और मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में लोग अपने घरों में आसपास के झोला छाप डॉक्टरों की सलाह पर ही घर में इलाज करा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता देवाशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। देवाशीष, डेंगू लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल हृदय विदारक तस्वीरें फिरोजाबाद से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां की वायरल फीवर की वजह से लगातार जान जाने का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक करीब 80 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। प्रशासन आंकड़ों का जिस तरीके से सभी को बताया कि आंकड़े अपने अपने तरीके से सब अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन लगातार तरीके से वायरल फीवर का कहर फिरोजाबाद में हावी है, जिसकी चलते लगातार कल मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने दावा किया था कि बेड का इंतजाम हो गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि डेंगू वायरल के कहर से मृत बच्चों के आंकड़े छुपाने के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर में अब रेफर करने का खेल चल रहा है। रात के अंधेरे में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ पर दम तोड़ रहे बच्चे के परिजनों व बीमारदारों की गुहार की भी असर हो गई है। सीधे तौर पर उन्हें रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार मेडिकल कॉलेज प्रबंधन कह रहा था कि हमने व्यापक इंतजाम किए हैं, बेड पड़ाए हैं, लेकिन फिर भी बेड की कमी हो रही है, जिसके चलते रात के अंधेरे में बीमारदार और मरीजों को रेफर कर दिया जाता है यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और लगातार वायरल फीवर का कहर फिरोजाबाद में हावी है। जी देवाशीष, शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रबंध है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन की तरफ से अब लगातार धरातल पर उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। जिला अधिकारी औचक निरीक्षण करने कल पहुंचते हैं। सीडीओ को विशेष अधिकार दिया गया है, वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, निरीक्षण और जन जागरूकता अभियान लगातार अब चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वायरल फीवर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं चूक कहाँ है, यह जानने की बेहद जरूरत है, क्योंकि लगातार वायरल फीवर के चलते तमाम मौतें यहाँ हो चुकी हैं। नौनिहाल जान गंवा रहे हैं और उसके बावजूद लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लगातार जानों के जाने का सिलसिला जारी है। देवाशीष, बेड्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही है अस्पतालों में, इस पर शासन क्या कुछ कर रहा है? इस पूरे विषय पर बेड के किल्लत को लेकर हमारी बात मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज हंसराज से बात हुई, जिनका कहना था कि अति गंभीर स्थिति वाले मरीजों को जबरदस्ती आगरा व दूसरी जगह रेफर किए जाने की जानकारी मिली है, लेकिन किसी ने मुझे लिखित शिकायत नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं कि लिखित शिकायत का इंतजार सीएमएस कर रहे हैं, लिखित में शिकायत उनके पास आएगी तब वो कार्रवाई करेंगे। तो इससे ज्यादा लापरवाही का रवैया और क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। धन्यवाद देवाशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, कई सारे बच्चों की मौत हो रही है। डेंगू से करीब 5 और मरीजों की मौत हो गई है। अब तक करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है फिरोजाबाद में डेंगू से।